लंबे समय से प्रदेश में अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? उनका नाम है अतिथि, आप मेहमान बनकर आएंगे तो क्या हमारे घर पर कब्जा करेंगे? उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है अतिथि शिक्षक को जहां शिक्षा व्यवस्था में कमी है वहां लगाया जाता है। अतिथि शिक्षक हमारी शिक्षा व्यवस्था में अहम बिंदु हैं और हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोगों के साथ बैठक की थी और उनके जो दो तीन विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।